दिवाली मौके रिलीज़ हुई फिल्म क्रिश 3 बॉक्स ऑफिस से शाई हुई है। पहले 3 दिनों विच इस फिल्म ने 72 करोड़ रुपए कमाए ने। मन्या जा रहा है कि फिल्म एक हफ्ता पूरा होने तो पहला ही 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर जाएगी, पर ऋतिक की नज़र चेन्नई एक्सप्रेस के रिकॉर्ड पर है। 100 करोड़ से वध की कमाई करने लिए क्रिश 3 को अजे होर समय, क्योंकि 15 नवंबर तो पहला कोई वड्डी फिल्म रिलीज़ नहीं हो रही। 15 नवंबर को संजय लीला बंसाली की रामलीला सिनेमाघरों में रिलीज़ होगी। इस विच मुख्य भूमिका में दीपिका पादुकोण और रणबीर सिंह ने। मनिया जा रहा है कि क्रिश 3 आराम नाल 123 करोड़ के बॉक्स ऑफिस कलैक्शन को पार कर जाएगी। वेरी हैप्पी फॉर माई फादर जिन्होंने ये रिस्क लिया। बहुत बड़ा रिस्क था और जैसे कि कहते हैं कि इफ़ यू ट्रूली वॉन्ट टू अचीव समथिंग इन लाइफ यू हैव टू टेक द लीप ऑफ फेथ, तो ये हमारा लीप ऑफ फेथ था एक, और आज वी कैन सी द रिवॉर्ड्स एंड इट विल मोटिवेट अस इवन मोर, इट विल इनकरेज अस टू वर्क हार्डर। आई जस्ट वांट टू से दैट 3 सुपर हीरोज इन क्रिश 3, देयर आर 3 सुपर हीरोज। One is our India's favorite superhero, Hrithik Roshan. The second, who's the bigger superhero, is his dad, jinhone itna bada sapna dekha aur pehli baar Hindustani ho ke, I mean Indians, we've had this white complex, yaar wo to gori hai, gore hai, gore kar sakte hain, you know, Americans can do it, Indians can't. He's proved to the whole world that Indians can do what the Americans can do, and all by ourselves, indigenously, proudly made in India. I think it's a great great thing that he's done for Indian, for our Indian pride. And the third superhero is the audience, man. ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਓ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਤੇ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਜੁੜੋ। ਆਪਾਂ ਮਿਲਾਂਗੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਯੂਟਿਊਬ ਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ। ਖਬਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਦਿਨ ਰਾਤ।